छोड़ दिया, मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? इस दुनिया में कोई सच्चा प्यार नहीं है, इस दुनिया में सब इस्तेमाल कर लेते हैं, ये नहीं सोचते कि दूसरे के दिल पे क्या बीतेगी। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो एक दूसरे को सच्चा प्यार करे। अरे ये लड़की बहुत जोरों से क्यों रो रही है? बहुत लगता है बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। एक बार जाकर तो देखूं क्यों रो रही है ये लड़की। अरे क्या हुआ, आप इतना रो क्यों रहे हो? क्यों परेशान हो रहे हो? क्यों बोल रहे हैं कि कोई नहीं है, मैं हूँ ना, क्यों परेशान हो रहे हो? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो, हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। मुझे बताइए क्या परेशानी है, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? आप कौन हो? मैं आपको नहीं जानती, और मैं आपको अपना सब कुछ कैसे बता दूं? मैं यहीं पास में रहता हूँ, मैंने आपकी आवाज़ सुनी और मेरे मन में आया कि मैं आपसे बात करूँ। क्यों? क्योंकि आप बहुत रो से रहे थे, मुझे लगा कि आप बहुत अकेले हो, क्योंकि आपने कुछ शब्द बोले थे कि मैं बहुत अकेले हूँ, तो मेरे मन में आया कि हम बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं। आप अकेले नहीं हो, मैं आपके साथ हूँ, आप क्यों चिंता करते हो? अगर कोई परेशानी तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, हम फिर एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं। अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं यहाँ पर बेंच पर आपके साथ बैठ जाऊँ, फिर हम बातें करेंगे। फिर आप मुझे बताना कि आपकी क्या परेशानी थी, आप क्यों अकेले हो, मैं आपके साथ हूँ। जरूर, आप यहाँ बैठ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि पहले आपके चेहरे पे स्माइल आ जाए तो मैं आपसे अच्छे से बात कर पाऊँगा और हम अच्छे से एक दूसरे से बहुत कुछ शेयर कर पाएंगे। प्लीज़ आप अपना चेहरा साफ कीजिए, बिल्कुल मत रोइए, बिल्कुल शांत हो जाइए, फिर हम आराम से बात करेंगे। अच्छा तो मुझे अब बताओ, अब इतनी परेशानी ऐसी क्या आ गई थी आपकी ज़िंदगी में? इतनी प्रॉब्लम में क्यों थे, इतना दुख में क्यों थे? क्यों ऐसे बोल रहे थे आप अपने आप से, और क्यों बोल रहे थे कि आपको सबने छोड़ दिया? ऐसा क्या हुआ था आपकी लाइफ में, मुझे बताया, क्यों रो रहे थे आप? मेरी मॉम डैड भी नहीं है, और जितने से प्यार किया सबने मुझे धोखा दिया, सबने मेरा इस्तेमाल किया और मुझे छोड़ दिया। अब कोई नहीं है मेरे साथ जो मुझे पूछे, अब तो मेरा भरोसा ही उठ गया प्यार पर से। अब तुम पहले रोना बंद करो, बिल्कुल मत रो, मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त बनूंगा और आप मुझसे सब कुछ शेयर कर सकते हो और मैं तुमसे प्यार करूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा कभी। ठीक है, ऐसे हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। मैं भी तुमसे अपने दिल की बात शेयर करूंगी, तुम भी अपने दिल की बात मुझे शेयर करना, और मैं तुम पे भरोसा करूंगी अब, पर तुम मुझे कभी धोखा मत देना। आज हमें 3 महीने हो गए हैं, मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे कभी मत छोड़ना। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। चलो अब हम चलते हैं घर, ठीक है, क्योंकि लेट हो रहा है और मुझे कहीं जाना भी है। ठीक है, हाँ चलो ठीक है, चलते हैं। यार बहुत बोरिंग लाइफ हो गई है, समझ नहीं आता बिल्कुल भी। और पहले ये लड़की को कई लड़के इस्तेमाल भी कर चुके हैं और बोलती है कि मेरे मम्मी पापा नहीं है, तो मम्मी पापा नहीं तो मैं क्या करूँ भाई इसका, अब मैं थोड़े ना लेकर घूमूंगा। चलो अगर शादी कर भी ली तो वैसे एक फ़ायदा है यार, इसको पैर की जूती बना के रख सकता हूँ, और अगर मारूंगा पीटूंगा तो कहीं जा भी नहीं सकती है, इसके कोई कोई परिवार वाला भी नहीं है, वैसे एक फ़ायदा है। अब ये भी तो समझ में नहीं आता अब इसके पास कितना पैसा है कितना नहीं है, इसके पास पैसा है भी या नहीं है, और मुझे क्या दे सकती है। और यार वैसे भी ये बिना मतलब में अपने रोने गाते रहती है, मुझे समझ नहीं आता इसका, और कोई दूसरी लड़की देखनी पड़ेगी यार, लाइफ में से इन्जॉयमेंट ही बिल्कुल अजीब सा ख़त्म सा हो गया, समझ नहीं आता है। देखता हूँ कोई और दूसरी लड़की के बारे में, यार बहुत लड़कियाँ हैं दुनिया में यार, एक लड़की के पीछे क्यों पड़ूँ? अभी मेरी उम्र थोड़ी ना कम है, इतना हैंडसम लग रहा हूँ, कम हो गया अभी मैं कुछ? ओहो आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत अच्छा लग रहे हो आप, पता है आपके साथ जब मैं बैठता हूँ ना तो बहुत अच्छा लगता है, मेरा दिन बिल्कुल भी बोरिंग नहीं जाता, सच में मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपसे ज़्यादा प्यार तो मैं किसी से करता नहीं, ना मैं अपने माँ बाप से करता, ना मैं अपने परिवार से करता, ना अपने नौकरी बिजनेस से करता, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बस मुझे कभी मत छोड़ना, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि आपकी ऐसी लड़की मुझे कभी नहीं मिल सकती, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं भी तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, अब हम बहुत जल्द शादी कर लेंगे। अब फिर से मुझे धोखा मिला, दोबारा से मुझे धोखा मिला, कोई नहीं है मुझे पूछने वाला, सबने मुझे इस्तेमाल किया, सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल, ना मुझे माता पिता का प्यार मिला, ना मुझे भाई बहन का प्यार मिला, ना मुझे दोस्तों का प्यार मिला, ना मुझे किसी चाहने वाले का प्यार मिला, मैं जाऊं तो किसके पास जाऊं? कोई नहीं है क्या इस दुनिया में जो मुझे प्यार कर सके? अगर नहीं है तो मैं अब मर जाऊंगी, जीऊंगी तो मैं किसके लिए जीऊं अब? क्या मैं पैरों की जूती हूँ जो मुझे हर कोई ठोकर मार देता है? क्या मैं गुड़िया हूँ जो मुझे हर कोई खेल के चला जाता है, मुझसे हर कोई खेल के चला जाता है और टाइम पास करता है?
मत रो, मैं तेरे साथ हूं। इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हाँ, ये किसकी आवाज है? मेरे अलावा कौन है इस कमरे में? मत रो, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और अपने धर्मीमय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। मैं अकेली हूँ। मैं तेरे साथ हूँ। मेरी बहुत सारी चिंताएं हैं। अपनी सारी चिंता और बोझ मुझे दे दे, क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। बहुत बोझ में दबी हूँ, पैसा भी नहीं है मेरे पास। अपनी सारी चिंता और बोझ मुझे दे दे, क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। और जाति की धन संपत्ति को नदी की बाढ़ के समान मैं तेरे लिए बहा दूंगा। तू आशीष का मूल होगी और मैं तेरे लिए कंगाल हो गया कि तू धनी हो जाए। किसी ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ मुझे दुख दिया। मेरी बच्ची, मैं तेरी मांगने से और सोचों से कहीं ज्यादा बढ़कर मैं तेरे लिए करने वाला परमेश्वर पिता हूँ। तू मुझसे मांग। अनाथ हूँ मैं, मुझे सबने छोड़ दिया और मुझे धोखा दिया। मैं तुझे कभी अनाथ न छोड़ूंगा। मैं तेरे पास आता हूँ और ना ही कभी तुझे धोखा दूंगा। हर कोई मुझसे नफरत करता है। मेरी दृष्टि में तू अनमोल है। मैं तुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, क्योंकि पापी हूँ ना मैं। मैं कहता हूँ तेरे पाप क्षमा हुए। और जब जब तू अपने गुनाहों को, अपराधों को मेरे पास आके मान लेगी, मैं उन्हें क्षमा कर दूंगा और तुझे अपने सीने से लगा लूंगा। किसी को मुझ पर दया नहीं आती और ना ही मुझ पर कोई दया करना चाहता। मैंने तेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखा है और मैं तेरा न्याय तुरंत चुकाऊंगा। मैं प्यासी हूँ। जीवन का जल मैं हूँ। यदि कभी तू मुझसे पिएगी तो कभी प्यासी ना रहेगी मेरी बच्ची। मेरे जीवन में बहुत अंधेरा है। जीवन की ज्योति मैं हूँ। मैं कहता हूँ उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे पर उदय हुआ है। मैं बार बार गिर जाती हूँ। जब भी तू गिरे, मैं हर पल और हर बार मैं तुझे उठाऊंगा। मेरी कोई देखभाल भी नहीं करता। मेरी बच्ची, मैं तुझे अपनी आंख की पुतली की नाई संभाल कर रखूंगा और जीवन भर तेरी देखभाल करता रहूंगा। सब मुझे बददुआएं देते हैं। मैं तुझे आशीष दूंगा और तू आशीष का मूल होगी। तेरे द्वारा सारी जाति के लोग आशीष पाएंगे। मैं बहुत बीमार हूँ। मैं कहता हूँ तुझसे कि निश्चय मैंने तेरे दुखों को उठा लिया और तेरी दर्द पीड़ाओं को ले लिया। देख, मेरे मार खाने से तू चंगी हो चुकी है। मुझे बहुत डर लगता है। मैंने बहुत आंसू बहाए हैं। मेरे आंसू पोंछने वाला कोई भी नहीं है। मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। मैंने तेरे आंसू को देखा है और तेरी प्रार्थना मैंने सुनी है। मैं तेरी आंखों से सब आंसू पोंछ डालूंगा। मैंने तेरे एक एक आंसू को अपनी कॉपी में भरा है और मैं तेरे आंसुओं के बदले तुझे दुगना भाग आदर का दूंगा। मैं बहुत टूट चुकी हूँ। मेरी कोई भी इज्जत नहीं करता। टूटा और पिसा मन मेरे ग्रहण योग्य बलिदान है मेरी बच्ची, और मैं तुझे सदा के घमंड का कारण ठहराऊंगा। तुझे दुख देने वालों की संतानें भी तेरे पास सर झुका कर आएगी और तुझे दंडवत करेगी और माफी मांगेगी। मेरी आशा और मेरी उम्मीद टूट चुकी है। तेरा मन व्याकुल ना हो, तेरी आशा फिर कभी ना टूटेगी। जब तक अपने कहे हुए को पूरा ना कर लूं, जब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मेरी सारी परिस्थिति मुर्दा हो चुकी है। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। मैं तुझे जिलाऊंगा और तुझे ऊंचा उठाऊंगा। सब मुझे कमजोर और निर्बल कहते हैं। मैं थके हुए को बल देता हूँ और शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ देता हूँ। मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। तू दौड़ेगी पर थकित नहीं होगी, चलेगी और श्रमित नहीं होगी।
बहुत घटी है मेरे जीवन में। पहले तो चाहे तेरी घटी थी, लेकिन अब से तेरी बढ़ती होगी। मैं अपनी महिमा के धन के अनुसार तेरी घटियों को भरपूरी में बदल दूंगा। मैं हार चुकी हूँ अपने जीवन से। मैं कहता हूँ मेरी बच्ची, हियाव बांध और दृढ़ हो जा। भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ कहीं तू जाएगी वहाँ वहाँ मैं तेरा परमेश्वर तेरे साथ रहूंगा। सबने मेरा मजाक बनाया है और मेरे को मूर्ख ठहराया है। मैंने तुझे चुन लिया है, क्या मैंने नहीं कहा कि मैंने मूर्खों को चुना है कि बुद्धिमानों को शर्मिंदा करे और ज्ञानवानों को लज्जित करे। अब मैं दोबारा अतीत में नहीं जाना चाहती और ना ही कुछ याद करना चाहती। बहुत दुख होता है। देख, तू मुझ में एक नई सृष्टि है, पुरानी सारी बातें बीत चुकी हैं। देख, अब मैं सब कुछ तेरे जीवन में नया कर देता हूँ। मुझे किसी एक ने भी नहीं अपनाया और हमेशा मैंने भीख मांग कर ही खाया है। मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। जगत के अंत तक सदैव तेरे साथ रहूंगा और बहुत तेरी जातियों को मैं तुझे उधार देने वाला बनाऊंगा। सब मेरे विरोध में है, कोई भी मेरे फेवर में नहीं है। मैं कहता हूँ कि जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा। सदा मैं तेरे साथ रहूंगा और तेरा युद्ध मैं लड़ूंगा। जब मैं तेरे साथ हूँ तो तेरा विरोधी कौन हो सकता है। सबने मुझे अपने हथियारों से निशाना बनाया है। मैं फिर से कहता हूँ कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उसमें से तुझ पर एक भी सफल नहीं होगा। और जितने लोग तुझ पर मुद्दई होकर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगी, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग हूँ, जो तुझे शांति देता हूँ और तेरी रक्षा करता हूँ। कोई मुझे अपना नहीं कहता, सबने मुझे अपना शत्रु बना लिया है, सब मेरी जान के प्यासे हैं। मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा कि वो तेरी रक्षा करें, और मैं संसार को, पूरे संसार को मैं तुझ पर से वार कर फेंक दूंगा। मैं तुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, तू मेरी ही है। मैंने अपनी जिंदगी शोक में काटी है। मैं तुझे अपनी शांति दिए जाता हूँ। मैं तेरे लिए शांति को नदी के समान बहा दूंगा और मैं तुझे अपने आनंद से भर दूंगा। जो आप ये सब बोल रहे हैं, क्या आप ये सब मेरे जीवन में पूरा कर सकते हैं? मैं कहता हूँ, धरती और आकाश टल जाएंगे, परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। लेकिन अब मुझे किसी व्यक्ति और किसी मनुष्य पर विश्वास ही नहीं है। मैं मनुष्य नहीं हूँ कि झूठ बोलूं, और ना ही ईश्वर या अपनी इच्छा बदलूं। मैं जीवित परमेश्वर पिता हूँ तेरा, और मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं, जब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, और जीवन की बातें तो मेरे ही पास हैं। मैं बहुत उदास हूँ। नजर उठाकर देख, मैं तेरे आसपास हूँ। यदि जो बातें आपने कही हैं, अगर ये बातें सब सच है, तो मुझे अब और किसी की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ आपकी जरूरत है मेरे पिता। विश्वास बढ़ा और मेरे पास आ जा, मैं तेरे साथ हूँ। आई लव यू पापा।